हेलो स्टूडेंट्स, आई एम एन के झा फ्रॉम APS. एज वी नो दैट द रनिंग टॉपिक इज फाल्कन्स फ्लाई, फाल्कन्स कैन फ्लाई एंड इन प्रीवियस क्लास वी हैड आउट some story which is related from falcons can fly and some words meaning you have to learn that in the previous class I had already told you have to learn this word meaning. So in starting, the word meaning is given of two words, number one sanctuary and number two falcon. And sanctuary means a place where birds and animals are kept safe and cared for, and falcon means a bird which has long pointed wings and can fly very fast. So this is very very important, and this is the main word meaning to know the story about falcons can fly. And in page number 3, word meaning, one word meaning is also given, in the wild. And in the wild means to the forest. And we have studied some story in the beginning in previous class. But we shall discuss in details from the king said today. Today we have to discuss from here, because before this we have understood the story and how the king was so kind, and I know and we know about the behavior of the king. Not only the humanity for human beings, but also for the animals and birds. So from the king said, we have to explain, we have to understand what happened. The king said, don't worry, you have tried your best. I am sending for a great trainer from Kabul. He will be able to train these falcons. The king replied, don't worry. That means chinta mat karo. You have tried your best. Tumne apne taraf se puri koshish ki. I am sending for a great trainer for Kabul. He will be able to train these falcons. My Kabul se trainer ko manga lunga. Aur woh trainer is falcon ko train kar dega. That means make expert how to fly. Soon a trainer from Kabul came to Janakpura, and hearing the news, hearing the message, a trainer came from Kabul. Matlab Kabul se ek trainer aa gaya. Kahan? To Janakpura. Janakpura place ki ye baat hai. So he agreed to make the falcons fly in a week's time. और उस ट्रेनर ने कहा कि ठीक है, हम जो है सो आपके फाल्कन्स को सप्ताह भर में जो है सो उड़ने के काबिल बना देंगे. मतलब ये उड़ने लगेगा. टू डेज लेटर द ट्रेनर केम टू द किंग एंड सेड दैट द फाल्कन्स वेयर रेडी टू फ्लाई विद इन टू डेज, ओनली इन टू डेज. That means 2 days later, trainer came to the king. Trainer jo hai, so king ke paas aaya and said, aur kaha,
दैट द फाल्कन्स वेयर रेडी टू फ्लाई, कि फाल्कन जो है उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं. फाल्कन्स वेयर रेडी टू फ्लाई, द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर दैट. राजा को आश्चर्य हुआ यह सुन करके. हाउ डिड योर यू मैनेज दिस, सेड द किंग, आर यू अ मैजिशियन. ये सब किस तरह से तुमने मैनेज कर लिया. ये बात राजा ने कहा, क्या तुम कोई जादूगर हो, आर यू अ मैजिशियन. द ट्रेनर स्माइल्ड द स्टेटमेंट ऑफ द किंग. नो योर हाइनेस, ही सेड, यह आपके बड़प्पन है. आई एम नॉट अ मैजिशियन, आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी बर्ड ट्रेनर हु अंडरस्टैंड्स बर्ड्स. आई एम नॉट अ मैजिशियन, मैं मैजिशियन नहीं हूँ. आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी बर्ड ट्रेनर, मैं एक साधारण सा बर्ड को ट्रेन करने वाला इंसान हूँ. हु अंडरस्टैंड्स बर्ड्स, जो बर्ड्स को अच्छी तरह से समझता है, मैं वो हूँ. सो आई एम नॉट अ मैजिशियन. द किंग वॉज वेरी एगर टू फाइंड आउट द ट्रूथ. ही इमीडिएटली स्टार्टेड फॉर द सेंचुरी टू सी इफ द बर्ड्स हैड एक्चुअली स्टार्टेड फ्लाइंग. ऑन द अदर हैंड, द काइंड ऑफ मैसेज द किंग हियर्ड, द किंग बिकेम सो हैप्पी एंड एगर टू फाइंड आउट द ट्रूथ, मतलब सत्य की खोज में लग गया. ही इमीडिएटली स्टार्टेड फॉर द सेंचुरी टू सी, और जल्द ही वह अपने सेंचुरी के तरफ चल दिया. टू सी इफ द बर्ड्स हैड एक्चुअली स्टार्टेड फ्लाइंग, देखने के लिए. क्या देखने के लिए? कि बर्ड जो है सो एक्चुअली में फ्लाई करने के लिए तैयार हैं. आइदर फ्लाई और नॉट. द किंग एंड द ट्रेनर वॉक टू द सेंचुरी. राजा और ट्रेनर दोनों साथ साथ जो है सो सेंचुरी में घूमने लगे. एज यूजुअल द फाल्कन्स वेयर सिटिंग ऑन देयर फेवरेट ब्रांच ऑफ द पीपल ट्री. सदा के भांति, एज वेल मीन्स प्राय, सदा के भांति फाल्कन जो है सो पीपल के ट्री के ऊपर बैठे हुए थे. दैट मीन्स ब्रांच ऑफ द पीपल ट्री, उसके पीपल ट्री के ब्रांच के ऊपर बैठे हुए थे. द ट्रेनर आस्क्ड टू मैन टू स्टैंड नियर द ट्री विद शार्प एक्सेस. एज सून एज द किंग रीच द ट्री, द मैन चॉप द ब्रांच ऑफ द ट्री. बोथ द बर्ड्स टुक फ्लाइट एट अ ग्रेट स्पीड व्हिच वाज नेवर सीन बिफोर. टुक फ्लाइट मीन्स टेक ऑफ एंड फ्लाई, टेक ऑफ एंड फ्लाई. द ट्रेनर आस्क्ड टू मैन टू स्टैंड नियर द ट्री विद शार्प एक्सेस. ट्रेनर ने दो आदमी से पूछा, दो लोगों से पूछा, टू स्टैंड नियर द ट्री विद शार्प एक्स, जो ट्री के नज़दीक खड़े थे, बिल्कुल नज़दीक खड़े थे. और किस क्या था उनके हाथ में? एक्स था. एक्स मीन्स कुल्हाड़ी. एज सुन एज द किंग रीच द ट्री, जैसे ही. एज सुन एज मीन्स जैसे ही. द किंग रीच द ट्री, राजा जो है सो ट्री के पास पहुँचा. द मैन चॉप द ब्रांच ऑफ द ट्री, तो उसने क्या किया कि ब्रांच ऑफ ट्री को उसने चॉप कर दिया. और बोथ द बर्ड्स टुक फ्लाइट एट द ग्रेट स्पीड व्हिच वाज नेवर सीन बिफोर. और दोनों जो पक्षी थे वह जो है सो उड़ने लगे. ग्रेट स्पीड मतलब स्पीडी, एंड व्हिच वाज नेवर सीन बिफोर, इससे पहले इस तरह से उड़ान भरते हुए, इस स्पीड से उड़ान भरते हुए उनको कभी नहीं देखा था.
The king was surprised. Why did you cut the branch they were sitting on? He asked the tanner. Tanner से उन्होंने पूछा, राजा को सरप्राइज हुआ तो ट्रेनर को उन्होंने पूछा कि वाई डिड यू कट द ब्रांच दे वेयर सिटिंग ऑन, उस ब्रांच को तुमने क्यों काट दिया जिस पर वो बैठे हुए थे। दैट्स ट्रेनर सेड, योर हाइनेस, इफ ऑल ऑफ अस वेयर गिवन अ कंफर्टेबल प्लेस टू स्टे, एज मच फूड एज वी नीड एंड ऑल आवर नीड्स टेकन केयर ऑफ, डू यू थिंक एनी ऑफ अस वुड मूव टू वर्क एंड लुक आफ्टर आवर सेल्व्स? द फाल्कन्स डिडंट फ्लाई as they had all their nests taken care of here. Many of our children can fly if there is a need. They do not because their parents take care of everything for them. The king laughed and said, you are so right, and gave the trainer 100 gold coins. This is not for making the falcons fly, but for teaching me a valuable lesson, he said. So we have to understand From here, the trainer said, Your Highness, सब आपके ख्याल से हुआ, If all of us were given a comfortable place to stay, अगर हम सभी को जो है सो comfortable place रहने के लिए मिल जाए, as much food as we need, और भोजन उतना मिल जाए जितना हम चाहें, and all our needs taken care of, do you think, और सारे जो है सो हमारे needs पूरा हों, Do you think any of us would move to work and look after ourselves? The falcons didn't fly as they had all their needs taken care of her here. यदि हमें सारा सुविधा मिलने लगे तो फिर हम कोई काम ही नहीं कर पाएंगे। The falcons did not fly. अगर हम उसको कट नहीं करते उस ब्रांच को तो फाल्कन कभी यहाँ से उड़ते नहीं। क्यों? Because they had all their needs taken care of here. क्योंकि उनका सब कुछ यहाँ जितना भी नीड्स था वो पूरा होता। Many of our children can fly. बहुत सारे children fly कर सकते हैं हमारे, if there is a need. यदि उनके पास needs हो। Needs means ज़रूरत। Okay? They do not because their parents take care of everything for them. They do not. वे लेकिन नहीं कर पाते because their parents take care of everything for them, कि उनके पापा मतलब मम्मी पापा जो है सो उनका सब कुछ पूरा करते हैं। द किंग लव्ड एंड सेड, राजा ने कहा, हंसा और कहा, यू आर सो राइट, यू आर टोटली करेक्ट, एंड गेव द ट्रेनर 100 गोल्ड कॉइन्स फॉर द थॉट एंड फॉर द वर्क्स। दिस इज नॉट फॉर मेकिंग द फाल्कन्स फ्लाई बट द टीचिंग मी अ वैल्यूबल लेसन। यह जो है सो फाल्कन्स फ्लाई के लिए नहीं दे रहा हूँ, बट फॉर टीचिंग मी अ वैल्यूबल लेसन, तुम्हें इसलिए ये 100 गोल्ड कॉइन्स दे रहा हूँ क्योंकि तुमने मुझे बहुत ही वैल्यूबल लेसन बताया, पढ़ाया, ही सेड। सो विद दिस वे द स्टोरी इज ऑलरेडी फिनिश्ड एंड नाउ We have to solve reading comprehension from match the columns. This is number one. So, 7 question is given and this is your homework. And have to do it. And page number 6 also you will have to do, because read the lines and answer the question that follow. And this type of questions are known as 3-type questions. Because lining is given, so by the help of your text, according to a story, you have to deal your answer. You have to write the answer of the question, and you will have to solve. So read it and solve the question answer. Okay, thanks.